कैसे हो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, एकदम खुश होंगे, अपने ज़िंदगी में ना एकदम फोड़ रहे होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा आपके ज़िंदगी में। फिलहाल मैं रेडी हो चुका हूँ, आज सैटरडे है, शनिवार है, तो मैं जा रहा हूँ हनुमान मंदिर। मैं सोच रहा हूँ दादाजी को मेरे साथ लेके जाऊँ और दर्शन करके आते भगवान हनुमान के। फिलहाल हमारी मम्मी जी का देखो इधर क्या चल रहा है। मम्मी 2-3 दिन से बोल रही है मुझे, पिछले हफ्ते से। ये देखो दोस्तों, चने कितने बिक के कितने बड़े बड़े हो चुके हैं यहाँ पे। मैं खाऊ क्या मम्मी 2-3? मस्त है यार। अब इसको ना सुखाया जाएगा, अभी ऊपर सुखा देंगे, घर के ऊपर रख देंगे इसको, है ना मम्मी? ये ऐसा क्यों कर रही हो मम्मी? ये कुछ चीज है ना, ये भी ना भिजल वाजल काड़े। हाँ कुछ है ना, कुछ चने है ना ऐसे भीगते नहीं है पानी में, तो उनको वो बाजू करना पड़ता है, साइड में हटाना पड़ता है। उनको कुच्चिर बोलते हैं। और उनका कुच्चिर कौन है? समानार्थी शब्द पता है क्या होता है? कुच्चिर कुच्चिर हर वाला। हमारे नए खेत से ना आज रास्ता बनने वाला है, क्योंकि हमारा खेत है और बाजू वाले का जो खेत है, हम दोनों को ये रास्ता नहीं है खेतों में जाने के लिए, तो हमने ना पार्टनरशिप कर लिए। उनके खेत में से एक लाइन जाएगी हमारे खेत में से एक, और एक रास्ता बन जाएगा। फिर आज दिखाते हैं आपको कैसे होता है, क्योंकि फिर आना जाना सही हो जाता है ना, खेत में से जो फसल होती है उसको बाहर निकालना होता है, सब चीज़ें आसान हो जाती है, रास्ता होता है। पायल ने क्या पहना है आज, अलग ही स्टाइल कर दी है पायल तूने। जो जब भी कभी मंदिर वगैरह जाना होता है, मैं दादाजी को लेके जाता हूँ साथ में, क्योंकि वो हमेशा रेडी रहते हैं किधर भी जाने के लिए। घर में बैठ के भी बोर हो जाते हैं और उनको इच्छा भी होती है ना घूमने की, इसलिए मंदिर आ नहीं ऐसे का। चलो इसको ना ऊपर ऊपर रख के आते हैं दोस्तों, चलो ऊपर रख के आते हैं। अमरेंद्र बाहुबली हमारी दादी जी, हमारे दादाजी की सिस्टर, हमारे दादाजी और उनके कुल 4 भाई बहन थे वो, उनमें से है ना दोनों की डेथ हो चुकी है। अभी हमारे पास है ना मोटरसाइकिल नहीं है, क्योंकि मेरे पापा मोटरसाइकिल लेके गए, ताता जी मोटरसाइकिल की चाबी लेके गए, मोटरसाइकिल तो है पर चाबी लेके गए। अभी मुझे सोना की बाइक लानी पड़ेगी। मोटरसाइकिल कैसा शब्द है ना, मोटरसाइकिल। चलो मंदिर में जाके आते हैं 2 मिनट में। लो भाई पहुंच गए मंदिर में, दर्शन करके आते हैं। चलो भाई और एक भगवान के दर्शन कर लेते। हमारे यहाँ पे 4-5 मंदिर है ना, तो एक ही बार में सबके दर्शन हो जाते। जय भगवान। हमारे दादाजी के दोस्त। और ये है भाई मेरा स्कूल, 2nd स्टैंडर्ड से 4th स्टैंडर्ड तक का। अभी इधर गप्पे करेंगे थोड़ी देर, तो मुझे भी रुकना पड़ेगा। देखो मिलते ही सुपारी खाने लग जाते। कई काम हो जाए तो बड़ा कंप्यूटर वर काम करी दो मन कहीं बोल जाना ये हां बोल जाना कहीं दादाजी पूछ रहे क्या काम करते हो। हमारे दादाजी को पूछ रहे थे, दादाजी बोलते कुछ तो करते रहते कंप्यूटर पे बटन के एक्शन करते। और अभी बता रहे कि कुछ ऐसा कुछ उठाने का काम नहीं है, ज्यादा कष्ट वाला काम नहीं, बैठ के काम करना पड़ता है। इनको क्या पता है क्या कष्ट रहते हैं। चलो हो गए वे बातें, निकलते अभी। बीच रास्ते में छोड़ देते, उनका घर आ गया ना। वो तो बोल रहे हैं मैं तो घूमने के लिए आता हूँ, वैसे पैरों में थोड़ा दर्द रहता है ना, तो हल्का हो जाता है। दादी जी मम्मी को हेल्प कर रहे हैं। ये देखो क्या है नाश्ते में आज, वो चने भिगो के नहीं रखे सब, उसको थोड़ा सा ऑयल में डाल के है ना, वैसे ही खाएंगे तो थोड़े ज़्यादा ही हेल्दी हो जाएंगे ना, तो थोड़ा अनहेल्दी बनाना पड़ता है उनको, ऑयल डाल के थोड़े से ना, है ना। सुनील जा रहा है अपना दांत ठीक करवाने अभी,
उसका दांत है ना टूटा हुआ है देखो। तो अभी जा रहा है और दांत रिपेयर करके आएगा। अगली बार देख लो। यस बाय मी। अच्छा वाला बिठा के लाना, वो येलो येलो पड़ जाता है वर, नहीं तो ब्लैक। सोनिया को सुना दो। कौन सोनिया? व्हाट अ जोक। सगळे ठिकाणी न्यू इंग्लिश स्कूल दाखवायची गरज नाही। पायल मेरे लिए बना रही है सेवया। और हमारी मम्मी देखो कैसे सोई है उधर। हाँ पायल ही साड़ी आज भारी दिस रही। तिला तुझे दोन तीन साड़ी आवडले अगं। कोणचा आवडले गं पायल? तुला माझ्या साड्या कोणचा आवडले? दे ते जरा कपड्यातले काढ दोन तीन। हां कोणचा आवडले देवा सुनाला? चार पाच साड्या काढून त्या दिवशी तुझं कपाट आवरत होती ना, एक एक साडी टाकू दे, किती भारी भारी साड्या म्हणे आत्या वेगळ्या। पायल उस दिन मम्मी का है ना कपाट सेट कर रही थी, तो मम्मी की साड़ी देख के लोग बोलू कितनी अच्छी साड़ी, कितनी अच्छी साड़ी। मम्मी को मैं अभी चिढ़ा रहा हूँ उसको दे रही सारी साड़ी। कौन सी साड़ी दिखाओ पायल तुम्हें जो पसंद आ गई है? मम्मी की ये वाली साड़ी, ब्लैक वाली। कितने रुपए की? कितने? 400 सिर्फ। दिवस कित झाले ते? कितने? माय पप्पा वरून कित दिवस झाले? 25-27 वर्ष झाले। तू किती वर्षात झाला? 28 बाप रे 28 साल। ओ एक ये देखो मेरे उम्र जितनी साड़ी है 28 ईयर ओल्ड। और मम्मी के पापा ने गिफ्ट की थी ना, इतनी छानी है ना? नहीं फिर मौसी ने। मौसी तब से मम्मी मला वाटले यात्ताची साड़ी है। ओ भाई जरीचे काटे मस्त है यार ये साड़ी तो। फिर मम्मी मुझे पता नहीं था ये तो स्पेशल साड़ी, मत दो पायल को, ये तुम्हारी साड़ी 28 साल से संभाल के रखी है, मत दो। एक मम्मी के पापा है ना, मैं जब 3 महीने का था तभी चल बसे थे, मतलब 28 साल हो गए तुम्हारे पापा को जाके। मम्मी 28 साल वाले साड़ी मस्त साड़ी है, तभी मैं सोचू उस टाइम पे लेके रखने के ना 15-20 साड़ीज। एक ही मिलना मुश्किल था तब। मस्त ही साड़ी जर गेल गेला ना 15-20 हजार रुपये किंमत हिची या साडीची। आता वही तो अभी ये सेम साड़ी अगर खरीदने जाएंगे ना लग्नाची साडी 10 हजाराची कशी ती तिच्या बॅचरीचं सूत भारीची। पायल नहीं मिलेगी तुम्हें ये साड़ी। घाल या कंटा घाली ना। हाँ, तुम भी एक ऐसी साड़ी ना रखो जो है ना तुम जो तुम तुम्हारे बच्चों को दिखाओगे 28 साल पुरानी है। ओ भाई मम्मी ये तो मैंने तुम्हें कभी पहने नहीं देखा। वाह 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 मम्मी ब्लैक ब्लैक साड़ी। दोस्तों हमारे खेतों में ना सड़क बनाने का काम चालू है, तो बहुत ज्यादा धूप है, तो इसलिए मेरे पापा बोले जाओ जाके कुछ ठंडा लेके आओ। ठंडे में यही पेप्सी वगैरह कोक वगैरह लेके आता हूँ। पहले तो गाड़ी लेके जाना पड़ेगा, ताते जी की गाड़ी लेके जाता हूँ। सही गाड़ी चाहिए थी भाई, बहुत ज़्यादा धूप है इसलिए प्रोटेक्शन के साथ जाना पड़ रहा है ताकि धूप से बेहाल ना हो जाए हम लोग। बैग भी ले ली है क्योंकि इसमें रख के लाना पड़ेगा ना। बाकी तू क्या पिएगा भाई, कुछ ठंडा लाओ तेरे लिए। चलो निकलते। चलो भाई ले लिया स्प्राइट, ले लिया सिर्फ स्प्राइट ही मिले भाई सिर्फ, माझा और मम्मी के लिए और कुछ लेना था तो देखते थोड़ी देर में। चलो भाई यहाँ पे देखते मिलता है या नहीं माझा। हाँ है भाई इधर माझा है या स्लाइस है पता नहीं, स्लाइस लेके जाते, माझा तो नहीं दिख रहा है। इधर पहुँच गए भाई घर और क्या ही धूप थी भाई, आँखें जल रही है मेरी अभी। पापा को दे देता हूँ, पापा उन लोगों को पिला देंगे ठंडा वंडा, फिर अपन आते हैं थोड़ी देर में देखने के लिए। एक मिनट चल दो। ये सब जाएंगे पापा के साथ, सिर्फ ये रह जाएगा घर पे मम्मी और पायल के लिए। जीरा नहीं भेट लगा? नहीं ना जीरा नहीं था। ये ले लो दो। ये देखो भाई ये दांत बिठा के आ गया है, दिखा रहे मुँह खोल अभी दिखाना। डोले दिखा ला सगळे डोळे दाखवून। अरे देख ना ये देखो ये दात बिठा दिया है उसने, थोड़ा बाहर आया हुआ लग रहा है।
और फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे खेतों में, क्योंकि हम खेत में बना रहे हैं नया वाला रास्ता, जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था, वो देख के आते हैं अभी हम लोग। दादाजी बोल रहे हैं मुझे भी आना है, मुझे भी आना है। वो टोपी लेना, गिव मी दैट हैट, गिव मी दैट हैट। ओके। और भाई कल तो हम निकल जाएंगे पुणे के लिए, और फिर पता नहीं कब घर आएंगे, तो मत जी लेते हैं, 4-8 घंटे बचे इतने यहाँ पे। यस। ड्रुम 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 ड्रुम। पहुंच गए भाई खेतों में, बहुत तेज हवाएं है यहाँ पे। तो ये देखो इस खेत में से हमें रास्ता बनाना है, ये वाला हमारा खेत है और नीचे दूसरों का खेत है, ये वाला दूसरों का, ये हमारा है, तो इसके बीचों बीच रास्ता जाएगा। ये देखो दादाजी तो पीछे रह गए, धीरे धीरे आएंगे अभी। और हमारे पापा यहाँ पे बैठे हैं, देखो यहाँ पे है ना, ये है पत्थर, और ये देखो ऐसे पत्थर लगा के रखे हैं अभी, इसको है ना जेसीबी से ना ठीक कर देंगे, तो फिर ये रास्ता हो जाएगा नॉर्मल वाला, क्योंकि फिर बारिश का सीजन स्टार्ट हो जाएगा ना, तो फिर है ना हमारे जो ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, गाड़ी वगैरह होते हैं, वो ये फंस जाते हैं, क्योंकि आप बोल सकते कीचड़ हो जाता है ना पूरा खेतों में। किसानों के लिए है ना भाई खेतों में रास्ता है ना इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, तो एक बार रास्ता बन जाता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है। अब ये इतने बड़े बड़े पत्थर है, कैसा होगा इसका पता नहीं यार। तो देखो भाई यहाँ पे जेसीबी की खुदाई चल रही है, यहाँ से पत्थर वगैरह भर के लाते हैं। ये देखो हमारे राहुल भाई है, इनका जेसीबी है, इससे चल रहा है। ये देखो भाई अभी नई ट्रॉली आने तक ये बंद ही रहेगा अभी। अभी जैसे भी से है ना जो पत्थर के ढेर वगैरह है ना उनको है ना प्लेन किया जाएगा। ये देखो भाई थोड़ा सा इसको फैलाया जा रहा है अभी पूरा वहाँ तक, अभी पापा रुक बैठे वहाँ तक। पहुँच गए भाई घर, आ गया भाई सुनील भी। दोस्तों चलो खाना खा लेते हैं, सुनील ने आज हमारे साथ खाना खाने के लिए, क्योंकि सचिन के घर पे खाना खाया उसने, सचिन अपने दोस्तों के साथ आया है घर पे, उसका प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन है, तो उसके लिए कुछ सामग्री लगने वाली थी उसको, जैसे एक मॉनिटर, एक माउस है ना। शुभम लास्ट ईयर को है हमारा, और उसका प्रोजेक्ट है कॉलेज में, तो उसका डेमो देने के लिए उसको है ना मॉनिटर चाहिए था, इसको HDMI पोर्ट है ना, तो इसके लिए वो कॉलेज से आया है। ये देखो भाई इनका प्रोजेक्ट का UI है, क्या करता है सचिन ये ऐप जरा बताओगे? हाँ ये बताऊंगा, ये मोबाइल ऐप है ना तुम्हारा? ठीक है मोबाइल ऐप। चलो भाई हो गया सचिन का डेमो, इनका ऐप बेसिकली क्या करता है, जो स्कूल के ड्राइवर वगैरह नहीं होते उनको क्या करना पड़ता है, हर एक स्टूडेंट को उठाना पड़ता है ना उनके स्टॉप पे से, और फिर अगर कोई स्टूडेंट अपसेट हो तो उनको खामखा चक्कर हो जाता है, तो इनका ऐप क्या करता है बेसिकली बताता है कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ पे खड़ा है, तो ड्राइवर डिसाइड कर सकता है कि कौन से स्टूडेंट को पहले पिक करना है, बाद में कौन सा करना है, कौन सा रूट अवॉइड करना है, तो वो उनका प्रोजेक्ट है। और स्टूडेंट को भी बस का लाइव लोकेशन दिखता चलेगा। तो इन्होंने एक एंड्रॉइड ऐप बनाया है, तो देखते हैं क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की है, थोड़ा हमें भी सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों कल सुबह हमें जल्दी निकलना है, क्योंकि हम जाने वाले पुणे, उसकी तैयारी हो चुकी है। अरे यार देख रहे हो खिड़की खुले रहते हैं ना, तो धड़ाधड़ बजते रहते हैं, तो हमारी छुट्टी अभी ख़त्म हो रही है, सुबह सुबह जल्दी निकलना है, सब तैयारी हो चुकी है, मम्मी पापा को सोना है, तो अभी हम लोग भी जाते हैं ऊपर सोने के लिए। मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।